खरगोन जिले में वरुण छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास प्रबंधन पर शासन से मिलने वाली सुविधाएं नहीं देने की शिकायत अपर कलेक्टर SS मुजालदा से की है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे छात्राओं ने समय पर भोजन नाश्ता नहीं दिए जाने के साथ ही मेनू में भी मनमाना बदलाव किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रखा जाता, शिकायत करने पर उल्टा उन्हें ही फटकारा जाता है। छात्राओं ने कलेक्टर से मांग की है कि छात्रावास का निरीक्षण कर वहां मिलने वाली सुविधाओं का लाभ छात्राओं को दिलाया जाए। उल्लेखनीय है कि शासन स्तर पर अच्छी शिक्षा के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल का संचालन भी किया जा रहा है। छात्रावासों में भोजन सहित नाश्ता एवं उन्हें दिनचर्या की आवश्यकता वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाती है। बरो हॉस्टल से क्या समस्या आ रही? सर हमारे हॉस्टल में तो कुछ सुविधा ही नहीं है, कुछ तो सुविधा करो। कुछ सुविधा नहीं है सर, झाड़ू भी नहीं है, पोछा भी नहीं है और साफ सफाई तो होती नहीं है। और रोज तेल साबुन के पैसे भी नहीं मिलते और तेल साबुन भी नहीं मिलते। 10% राशि 4 साल हो गए सर, हमारी कुछ मांगे पूरी नहीं हो रही है। टोटल 23 लड़कियां हैं पर उसमें से भी कम आती है, फिर भी हॉस्टल चला रहे। में कौन है वहाँ पर अधीक्षक? भारती मंसारे। तो उनसे कभी बात किया आपने इस समय? हाँ सर। क्या बोला उन्होंने? सर वो नाश्ते का भी बोलते तो वो बोलती कि वो एक दिन मैं बोल दूंगी बोलती, और फिर बोलती कि मैं तो नाश्ते भी मेरे पैसे से कर रही हूँ, ये पैसे तो आगे से नहीं आ रहे नाश्ते का भी बोल रही। हमारी मांग यही है सर कि हमारी हम साफ सफाई भी करें और झाड़ू पोछा तो आता नहीं है, और वो सब बोल रही कि मेरे पैसे से सब कुछ कर रही हूँ तो हॉस्टल की तरफ से क्या कुछ नहीं मिलता क्या? हमारी हॉस्टल में साफ सफाई नहीं होती है, और तेल साबुन की बात करने जाते तो मैम बोलते कि क्या मैं मेरे जेब से मैं खिला रही हूँ, सरकार देती नहीं, ऐसी बोलती है मैम। और हम नाश्ता का बोलते तो बोलती कि एक दिन ही नाश्ता करोगे तो क्या मर जाओगे, ऐसी बोलती। तो हम किसको बोले, तो फिर हम स्कूल में भी बोलते, सबको बोलते, पर वो कोई ध्यान नहीं देता। आज तक हम 3-4 साल हो गए सर, तो उन्होंने है नहीं कोई नहीं करा, आज हमको यहाँ आना पड़ा इसीलिए। और साफ सफाई कभी नहीं होती, और बोलते हम कि 5,000 रुपये देना तब मैं हॉस्टल में रखूँगी 8 दिन के अंदर अंदर, ऐसे बोलते। तो कुल 23 है, 11वीं 12वीं मिला के, पर आधी लड़कियाँ आती नहीं। अच्छा कब से हैं आप वहाँ पर? मैम ध्यान भी नहीं देती वहाँ पे। अच्छा आप कब से हैं वहाँ पर? वहाँ पे हम 4 साल हो गए। तो कब से परेशान हो रहे हैं आप? हम 3 साल हो गए और ये लास्ट साल चल रहा है। और वहाँ पे है ना नाश्ता मिलता नहीं, और नाश्ता बोलते तो बोलते एक दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ऐसे बोलते। खरगोन से अब्रार पठान की ये रिपोर्ट।